दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट आईफोन की वजह से जानी जाती है। हर साल इसके लॉन्च को लेकर टेक प्रेमियों को काफी इंतजार रहता है। आईफोन को पसंद तो अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन दुनिया के इस सबसे ट्रेंडिंग स्मार्टफोन के बारे में बड़े से बड़े टेक एक्सपर्ट जानने का दावा करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू है जिनको जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं अपने आईफोन के बारे में वे अनसुलझे पहलू जिनसे तय हम सभी अनजान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्टिसाइड पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाल कर लेकर आया हूं जिनसे आप सभी थे अनजान। एप्पल और इंडिया का अनोखा कनेक्शन है। भले ही इसका सीईओ अभी तक कोई भारतीय ना बना हो, लेकिन इस मेगा टेक कंपनी में हर 3 एम्प्लॉय में एक भारतीय है। अन्य स्मार्टफोन की तुलना में आईफोन को चार्ज करने में बिजली की खपत सबसे कम होती है। इस फोन को पूरे दिन चार्ज करने के बाद भी आपका साल भर का बिजली का बिल केवल 21 रुपए ही आएगा। तो बेशक आईफोन सबसे महंगे स्मार्टफोन के तौर पर विख्यात हो, लेकिन पैसे बचाने में यह सबसे बड़ी मनी सेवर स्मार्टफोन के तौर पर अपनी जगह बनाता है। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स के नेटवर्थ के एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत मात्र $1300 के कैपिटल से हुई थी। यदि आप सोच रहे हैं कि आईफोन नाम ओरिजिनल है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि साल 2007 में आईफोन लॉन्च होने से पहले आईफोन नाम सिस्को सिस्टम नाम की एक टेक कंपनी ने रजिस्टर करवा लिया था। हालांकि एप्पल ने इसी नाम से आईफोन को लॉन्च किया था और इसी के चलते सिस्को ने एप्पल पर केस भी कर दिया था। आपको बता दें कि आईफोन की दीवानगी इस हद तक है कि जापान में जब आईफोन 6 लॉन्च हो रहा था, तो एक आदमी ने 7 महीने यानी कि 210 दिनों तक लाइन में लगकर आईफोन लिया था। साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन मॉडल लॉन्च किया था और इसी साल विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने इसे इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। आईफोन एक बेहद महंगा स्मार्टफोन माना जाता है। दुनिया और देशों में ये टैक्स जोड़े जाने के बाद महंगा मिलता है, किंतु ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया के मुकाबले आईफोन आपको डबल रेट पर मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। यदि आप आईफोन की आईट्यून सर्विस को यूज करते हैं, तो उसके रोचक एग्रीमेंट को आपको एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे यूजर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इस पॉलिसी से सहमत है कि आप कोई भी जैविक या परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। आईफोन को बनाने वाली दो कंपनी एप्पल के दो फाउंडर्स यानी कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉन्जिक थे, आपको पता ही होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी एप्पल के एक तीसरे फाउंडर भी थे, जिनका नाम था रोनाल्ड वैन। कंपनी के लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने शेयर को बेच के एग्जिट कर दिया था। आपके आईफोन के एप्पल स्टोर में इतने ज्यादा एप्लीकेशन है कि आज तक केवल 40% ही डाउनलोड किए जा सके, यानी कि 60% एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड करके इस्तेमाल नहीं किया गया है। एप्पल कंपनी की कमाई आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है, क्योंकि एक हालिया बिजनेस रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि एप्पल कंपनी हर 2 मिनट में 2 मिलियन से अधिक कमाती है। जो पहला आईफोन था वो एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक टैबलेट था। जी हाँ, एप्पल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने आईफोन के नाम पर एक टैबलेट प्रोटोटाइप को डेवलप किया था, लेकिन बाद में इसे स्मार्टफोन के डिजाइन में बनाने का फैसला लिया गया था। इसका मतलब यह कि यदि आईफोन ओरिजिनल रूप में लॉन्च होता है, तो वो टैबलेट के तौर पर जाना जाता, न कि एक स्मार्टफोन के रूप में। आईफोन को किडनी के फोन के नाम से भी जोक्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या इस मजाक के पीछे की कहानी आप जानते हो? दरअसल साल 2011 में चीन में एक सेल चल रही थी, जहां पर एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपनी किडनी को बेच डाला ताकि वो आईफोन को खरीद सके। इस घटना के बाद से इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर की खूब चर्चा हुई। तभी से लेकर आज तक लोग मजाकिया ढंग से कहते हैं कि आईफोन की कीमत एक किडनी के बराबर होती है। और हाँ, बिल्कुल किडनी के बराबर होती है। आईफोन पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और यूज किया जाने वाला ऐप है फेसबुक, जिसके बाद नंबर 2 पर आता है यूट्यूब और तीसरे नंबर पर आता है इंस्टाग्राम। यहाँ रोचक बात यही कि दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप आईफोन के टॉप 5 ऐप्स में भी नहीं आता, बल्कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन में नंबर 1 पर आता है। क्या आप जानते हैं कि आईफोन में किसी भी तरह का ऐप स्टोर नहीं था? पहला ऐप स्टोर वर्जन आईफोन 3G मॉडल में लाया गया था। उससे पहले आईफोन में केवल फ्री इंस्टॉल्ड ऐप्स ही हुआ करते थे। पहला आईफोन केवल US तक ही लिमिटेड था। इसे वर्ल्ड वाइड में लॉन्च नहीं किया गया था। दिसंबर 2007 में आईफोन को यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में ही लॉन्च किया गया था, जबकि इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला आईफोन था आईफोन 3G, जिसे अगस्त 2008 में रिलीज किया गया था। इसे इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आईफोन 3G मॉडल के साथ इन कंपनीज को नेटवर्क भी दिया गया था। लेटेस्ट आईफोन 11 मॉडल सीरीज में एप्पल द्वारा डेवलप किया गया मोबाइल प्रोसेसर यूनिक A11 है। साल 2019 में
आईफोन के वर्चुअल असिस्टेंट सिरी द्वारा लोगों की पर्सनल बातें रिकॉर्ड किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद एप्पल कंपनी ने आलोचना का सामना करना पड़ा और उसने अपनी गलती को मानते हुए माफी भी मांगी। एप्पल आज तक के आईफोन के 100 करोड़ से अधिक मॉडल बेच चुका है, यानी कि साल 2007 से लेकर आज तक उसने हर साल औसत पर 10 करोड़ से अधिक यूनिट्स बेचे हैं, जो किसी भी मोबाइल ब्रांड के लिए आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और शायद ही से कोई तोड़ सके। आईफोन की पॉपुलरिटी इसी वजह से आज तक पूरी दुनिया में बनी हुई है, ताकि वो सबसे जुदा बना रहे। तो यह है आईफोन से कुछ जुड़े अनसुलझे पहलू जिनको जानकर आप सभी हैरान हुए होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप आईफोन यूज करते हो या नहीं करते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।